गोवा में तुलसी डोंगरी के जंगलों में नक्सलियों ने अचानक से हमला कर दिया, जिसके बाद आपको बता दें जवाब में डीआरजी के जवानों ने 3 लाख के एक इनामी नक्सली को मार गिराया है। साथ ही एक होममेड पिस्टल बरामद की है। नक्सली की पहचान मड़कामी कोशा के रूप में हुई है, जो कि महोपदर एरिया का डिप्टी कमांडर था, जिस पर 3 लाख का इनाम था। बताया जा रहा है कि आईडी ब्लास्ट कर एक जवान को घायल करने में टीम सक्रिय थी। एसपी सुकमा शलभ सिन्हा ने जानकारी दी है कि जंगलों में लगभग 30 कैंप के निशान देखे गए हैं। माओवादी है, उसकी हम लोगों ने जब पहचान कराई अपने सरेंडर कार्डर से और उस इलाके के जो भी माओवादी पूर्व में जिन्होंने काम किया, तो उन्होंने इसकी पहचान मारवी कुर्सा के रूप में की है। ये महोपदर एलओएस का डिप्टी कमांडर है, जो कांगेर घाटी एरिया कमेटी के अंतर्गत आता है।